नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थितों में आज शनि जयंती को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने के लिए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव, शनिदेव का नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है, हमारे दिमाग में शनिदेव की बात आती है, एक अजीब सा डर, अजीब सा वहम हमारे मन में पैदा होता है, जिसकी वजह से तमाम तरीके की समस्याएं, जैसे आज व्यक्ति जूझ रहा है, चाहे वो संतान की समस्या हो, दाम्पत्य की समस्या हो, आपके करियर की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, कहीं ना कहीं इसके पीछे शनिदेव का प्रभाव होता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रिय दर्शकों, 6 जून 2024 को, जिस दिन वट सावित्री व्रत भी है, उसी दिन शनि जयंती का पावन पर्व भी मनाया जाए। प्रिय दर्शकों, शनि जयंती ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को शनिदेव जी का प्राकट्य हुआ था, उनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि को शनि की ढैया चल रही है, तुला राशि से सर्वाधिक कष्ट प्रदायक शनि राशि से पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं और वृश्चिक राशि को शनि की ढैया चल रही है, तो ये तीन राशियां तो प्रभावित चल ही रही हैं। साथ ही साथ मकर राशि, शनिदेव के साढ़े साथी का अंतिम चरण, कुंभ राशि, शनिदेव के साढ़े साथी का मध्य चरण और मीन राशि, शनिदेव के साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। अब आने वाले समय में मार्च 2025 में, जैसे ही मार्च 2025 का महीना बीतेगा, वैसे ही मकर राशि को साढ़े साथी समाप्त होगी, ठीक, कुंभ राशि को अंतिम ढैया शुरू होगी, मीन राशि को मध्य ढैया शुरू होगी और मेष राशि की साढ़े साथी का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो कर्क राशि की ढैया समाप्त हो जाएगी, वृश्चिक राशि की ढैया समाप्त हो जाएगी और तुला राशि में जो शनि सर्वाधिक कष्ट प्रदायक बने हुए हैं, राशि से पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो उनकी इस स्थिति में बदलाव आएगा और तुला राशि के जातकों के लिए या जातिकाओं के लिए एक नए युग का, एक नए समय का प्रारंभ होगा। अब इस आधार पर देखें तो ये छह राशियां तो जूझ रही हैं इस समय, चाहे वो कार्यों में विलंब को लेकर के हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन नरक बना हो इसलिए हो, चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे वो करियर की समस्या हो, कुल मिला के नाना प्रकार की परेशानियां इस समय इन राशियों को परेशान कर रही हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई उन राशियों की जिनमें ढैया और साढ़े साथी चल रही है, बाकी बची छह राशियां। अब उसमें देखा जाए तो मेष वालों के लिए तो स्थिति बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि मेष वालों के लिए लाभ भाव में शनि संचरण कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बना हुआ है। पैसा खूब आएगा, चीजें डिले हो रही हैं हालांकि, लेकिन पैसा आएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। वृषभ के लिए मेहनत ज्यादा है, संघर्ष ज्यादा है, तब जाके सफलता मिलने, क्योंकि दशम स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो मेहनत खूब कराएंगे, संघर्ष खूब कराएंगे, तब सफलता देंगे। सफलता देंगे हालांकि जरूर, क्योंकि वर्तमान समय में वृषभ के लिए शश महापुरुष योग बना रहे हैं। और अब बात आती है मिथुन की, मिथुन के लिए भी ठीक है, भाग्य भाव से गोचर है, हालांकि लाभ के रास्ते में थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए समय अच्छा है, समय ठीक है पक्ष में। सिंह वालों के लिए सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में हालांकि जीवन साथी को उन्नति और तरक्की दिलाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन चूंकि राहु भी इस समय अष्टम भाव में है, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर सकती है, हालांकि बाकी चीजें ठीक है। तुला वालों के लिए मैंने बताई, कन्या राशि वालों के लिए वर्तमान समय में शनिदेव बढ़िया स्थिति उत्पन्न किए हैं, षष्ठ भाव में प्रबल शत्रुघ्नता योग बना रहे, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा पुश और आप आगे बढ़ जाओगे। तुला और वृश्चिक के लिए मैं बता चुका हूं। धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु वालों के लिए स्थिति पक्ष में है, स्थिति बढ़िया है, पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करा रहे हैं, हालांकि संतान से संबंधित कुछ चिंताएं आपको लगी हैं, लेकिन वो सॉल्व हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी मकर कुंभ मीन के लिए मैंने चर्चा आपसे करी दी है। अब प्रिय दर्शकों, शनि जयंती का पावन पर्व इस बीच में हम लोगों को मिल रहा है, इसका कैसे लाभ उठाएं, क्या करें जिससे शनिजन्य पीड़ाओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, या कैसे अपने आने वाले समय को बेहतर बनाएं, आने वाले समय को अच्छा बनाएं। प्रिय दर्शकों,
मैं आपको इतने छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जो शायद ही आपने किसी के मुंह से सुने हो या पढ़े हो या करे हो। इसको एक बार करके देखिए, आजमा के देखिए, यकीन ना आए तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, जरूर बताइए। देखिए प्रिय दर्शकों, शनि जयंती के दिन किया हुआ दान, जप, ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप शनिदेव के मंत्रों का जप करिए, आप किसी भी लग्न राशि के क्यों ना हो, शनिदेव के मंत्रों का जप और शनिदेव की पूजा प्रिय दर्शकों जब भी की जाएगी हमेशा सूर्य अस्त के बाद की जाएगी, यानी कि शाम के समय जिस समय सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं उसके बाद शनि का प्रभाव होता है, उस समय पर आप पूजा उपासना करिए, उसका लाभ देखिए। फिर करना क्या है, कुछ छोटे छोटे मंत्र है, पहले इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ कि राशि अनुसार क्या करें। देखिए पहला मंत्र नोट करिए जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रभावशाली है, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का संध्या काल के समय एक माला से लगा करके 11 माला तक जितने आप सामर्थ्यवान हो, एक माला, तीन माला, पांच माला, सात माला, नौ माला, 11 माला तक जप कर लीजिएगा, आपको इसका लाभ देखने में आएगा, आप किसी भी लग्न राशि की क्यों ना हो। दूसरा मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का एक माला से लेके 11 माला तक जप करिए। तीसरा और अचूक मंत्र, ये मंत्र शायद ही आपने कभी सुना हो, सुन लीजिए और इसको कहीं अपने पास लिख करके रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। शनिदेव जब बेहद पीड़ा दे रहे हो, बेहद कष्ट पहुंचा रहे हो, तब इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र नोट कर लीजिए अच्छे से, सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय, सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय, मंदचारा प्रसन्न आत्मा पीड़ाम हर तुमे शनि, मंदचारा प्रसन्न आत्मा पीड़ाम हर तुमे शनि। इस मंत्र का 108 बार मात्र जप कर लेने से आपके जीवन में वर्तमान समय में चली आ रही बाधाएं, समस्याओं से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। समस्या चाहे जैसी हो, किसी भी लेवल की क्यों ना हो, इसका 108 बार शनि जयंती के दिन शाम के समय 7 बजे के बाद जप करिएगा, निश्चित आपको लाभ होगा। अगर आप मंत्र जप नहीं कर सकते प्रिय दर्शकों, तो फिर उस स्थिति में आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र इसका पाठ करिए, एक पाठ कर लीजिए पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के, एक बार इसका पाठ करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र इसका पाठ करें। मैं आपको एक ऐसी जानकारी देता हूं जो शायद आपने कभी ना सुनी हो, कभी ना किसी के मुंह से ना सुनी हो, ना कभी किसी वीडियो में ऐसा देखा हो। प्रिय दर्शकों, शनिदेव जी को जब भी नियंत्रण में रखना है तो एक अचूक मंत्र आपको बताता हूँ, या एक ऐसे कह लीजिए अचूक स्तुति आपको बताता हूँ, शनि वज्र पंजर कवच, शनि वज्र पंजर कवच, इसका अगर आप एक बार पाठ कर ले, ये आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगा या पूजा पाठ की सामग्री जहाँ पे मिलती है, वहाँ पुस्तकें मिलती हैं, वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से ले लें। और शनि वज्र पंजर कवच का पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके एक सरसों के तेल का दीपक जला लीजिएगा कर्म साक्षी के रूप में, वहाँ बैठ करके एक पाठ शनि वज्र पंजर कवच का करिएगा, निश्चित रूप से समस्या चाहे जैसी चली आ रही हो आपको मुक्ति उससे मिल जाएगी। ये तो बात हो गई एक सामान्य, ठीक है। अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति पूजा करे कैसे, बहुत ज्यादा तामझाम आपको नहीं करना है, सिर्फ साधारण सी उपासना करनी, कैसे करेंगे। देखिए एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, शाम के समय अपने कार्यक्षेत्र से वापस आने के बाद आप नहा धो लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए, घर पे ही बैठ जाइए पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके, क्योंकि मंदिर में भीड़ भाड़ बहुत है, गर्मी का समय चल रहा है, तो घर पे ही अपने पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके आसन बिछा के बैठ जाए, किसी भी मंत्र का जो मैंने पूर्वार्ध में मंत्र बताए हैं उनमें से किसी भी मंत्र का 108 बार जप कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप करना चाहें कर लें, उसके पश्चात शनिदेव जी के मंदिर जाएं, सॉरी माफ करें, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के पश्चात निर्धन व्यक्तियों को खाने पीने की चीज़ों का दान, वस्त्र का दान, भोजन, यानी कि जो भी चीज़ आप दान कर सकें उसका दान करें, आपकी पूजा स्वीकार्य होगी। अब प्रिय दर्शकों, आपको बताते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक शनि जयंती के अवसर पर क्या दान करें, किस चीज, कैसे पूजा उपासना करें ताकि आपको लाभ हो। देखिए मेष राशि के सभी जातक अपनी आर्थिक स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए ओम शं शनैश्चराय नमः
इस मंत्र का 11 माला जप करें। वृषभ राशि के सभी जातक अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 3 बार या 9 बार वृक्ष की परिक्रमा करें। मिथुन राशि के सभी जातक निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराएं, अन्न वस्त्र का दान करें। कर्क राशि के सभी जातक अधिक से अधिक शनि मंत्र का यानी कि 1 माला से लगा करके 11 माला तक शनि मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। सिंह राशि के सभी जातक पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, साथ ही साथ सरसों के तेल का थोड़ा सा दान भी कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को, आपको लाभ होगा। कन्या राशि के सभी जातक अन्न और वस्त्र का दान करें निर्धन व्यक्ति को। तुला राशि के सभी जातक शनि मंत्र का आवश्यक जप कर लें, 11 माला ओम शंख शनेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि के सभी जातक अन्न वस्त्र का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें, आपको लाभ होगा। धनु राशि के सभी जातक भोजन और अन्न का दान निर्धन व्यक्ति को करें, आपको लाभ होगा। मकर राशि के सभी जातक शनि मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। कुंभ राशि के सभी जातक पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 11 माला शनि मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि मीन राशि के सभी जातक माफ करें अन्न वस्त्र का दान करें और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, इस समय इस काल को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। एक आपको अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, इसको नोट करके रखिए, जीवन पर्यंत काम आएगा। आपको लगे कि जिस किसी को समस्या आ रही है उसको ये उपाय जरूर बताइए। करना क्या है, गर्मी होने की वजह से पसीना आ रहा है बहुत क्योंकि पंखा बंद रहता है वीडियो में। खैर मैं आपको बताता हूँ, शिवलिंग आपने देखी है, हर मंदिर पर शिवलिंग होती है, ये हो गई शिवलिंग। शिवलिंग के नीचे उसका अर्घा होता है यानी माता पार्वती वेदी जिसको बोलते हैं, और उसके नीचे जो नीचे का हिस्सा शिवलिंग जहाँ जमीन से जुड़ा होता है बिल्कुल उस जगह पे अपना ये लेफ्ट हैंड लगाइए, ऐसे करके ये लगा लिया, ये आपकी उंगली जमीन से बिल्कुल, ये जो उंगली है ये जमीन से छू रही है, अर्घे और जमीन पे छू रही है, और यहाँ से सरसों का तेल धीरे धीरे गिराना शुरू करिए। ये मध्यमा उंगली से होता हुआ उसी जैसे ये आप गिरा रहे हैं, ये मध्यमा उंगली से होता हुआ उसी शिवलिंग के अर्घे बिल्कुल नीचे जड़ पे जाएगा, और 108 बार दाहिने हाथ से ऐसा करिएगा और बाएं हाथ से ऐसे तेल डालते जाइएगा, और तेल डालने के साथ ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते रहिएगा। यकीन जानिए प्रिय दर्शकों, 108 बार आपको जप करना है, तब तक धीमे धीमे करके तेल की धारा उसी जड़ में जहाँ शिवलिंग जमीन से जुड़ा होता है उसी जगह पे जाती जाएगी। आपके जीवन में शनिदेव कभी आपको कष्ट प्रदान नहीं करेंगे, लिख लीजिए इस बात को। ये एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अचूक उपाय है, इसको एक बार कर लीजिएगा, और जब जब समय आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा कब कब इस उपाय को करना है। प्रिय दर्शकों यकीन जानिए, जीवन पर्यंत शनिजन्य पीड़ाओं से आप हमेशा के लिए मुक्ति पा जाएंगे। ये बहुत छोटा सा और बहुत कारगर उपाय, एक बार करके देखिएगा। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आप शनि जयंती के अवसर पर ये सारे प्रयोग करेंगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए सारे प्रयोग करेंगे। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।